काट के मत खाना कोई भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 3:37 हो चुके हैं और हम लोग आकर पहुंच चुके हैं आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और अभी तक का जो मैंने पीछे से सफ़र किया वो मैं चंडीगढ़ से आया, चंडीगढ़ से शिमला, नहीं सॉरी, हरिद्वार से शिमला जाने वाली HRTC सोलन डिपो की गाड़ी में। वैसे मैंने सोचा था कि मैं रात को ट्रैवल कर रहा हूँ तो सो के आऊँगा आराम से, कुछ रेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने आगे यहाँ व्लॉग कवर करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात को नींद नहीं पड़ी तो पूरी रात जाग के आए हैं। अभी पीछे बस 15 मिनट थोड़ी सी हल्की सी नींद पड़ी। शिमला में दोस्तों अभी काफ़ी ठंड है इस समय और आज जो डेट है 27 अप्रैल 2024, और यहाँ पे काफ़ी ठंड फील मेरे को भी हो रही है क्योंकि यहाँ ताज़ा बारिश हुई है और पीछे हिमाचल की नाटी बज रही है एक दुकान में। चलिए तो आपको शिमला बस स्टैंड का व्यू दिखाते हैं इस समय 3:30 सुबह का। तो दोस्तों मैंने जिस बस को कवर करना है वो है शिमला से नहान होके हरिद्वार जाने वाली गाड़ी, जो कि यहाँ से 5:15 चलेगी और मैं पहुँच रहा हूँ 4:15। तो इस बस को छोटा मोटा खा लेते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी के पास लेके चलेंगे। वो नीचे पार्किंग में लगी है, अभी तक तो ड्राइवर कंडक्टर सो रहे होंगे। 4:30 के आसपास वो उठेंगे तब आपको उनसे मिलाते हैं। अभी एक चाय के साथ समोसा खाने के बाद हम लोग यहाँ फिर से बस स्टैंड में आ गए। अभी आपको मैं नहीं दिखने वाला हूँ जितना मेरे को लग रहा है क्योंकि लाइट थोड़ी कम है। मैं आपको बस स्टैंड दिखा दूँ, ये अभी सामने हम हैं, नीचे की तरफ यहाँ पार्किंग है और वहाँ हम आपको थोड़ी देर में लेके जाएंगे। यहाँ ये कृष्णा बस सर्विस लगी है जो कि शिमला से मनाली चलती है। यहाँ पर ठीक 4 बजे हैं और ये दिल्ली रोड खड़ी हुई है। इसके अलावा ये रिकॉन्क्वियो की गाड़ी है। आप ये सामने देख सकते हैं शिमला से रेवाड़ी जाने वाली हरियाणा रोडवेज लगी है, उसके साथ ये रुपेड़िया हरिद्वार जाने वाली गाड़ी, ये एक उत्तराखंड परिवहन निगम की शिमला हरिद्वार रुपेड़िया एक और लगी है, और इनके अलावा एक यहाँ पे है हरिद्वार डिपो शिमला रुपेड़िया। तीनों गाड़ियाँ रुपेड़िया जा रही है दोस्तों। वैसे रुपेड़िया शायद उत्तराखंड में या फिर यूपी में पड़ता है जैसे हमने ज़्यादा सुना हुआ है। बाकी यहाँ बल्लभगढ़ शिमला लगी हुई है, ये भी अभी दोबारा स्टार्ट हुई, सर्विस बंद पड़ी थी काफ़ी टाइम से, ये भी काफ़ी सुपरफास्ट सर्विस है। ये रिकॉन्क्वियो की गाड़ी जा रही है शिमला रिकॉन्क्वियो पू के लिए रामपुर टापरी होते हुए। ये शिमला कांगड़ा चंबा गाड़ी भी यहाँ आ गई, और ये शिमला हरिद्वार रुपेड़िया सर्विस जो है UTC की, ये भी बोर्ड वगैरह लग चुका है इसमें। ये दूसरी रुपेड़िया खड़ी है, यहाँ तीसरी खड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए नीचे पार्किंग में और वो सामने हमारी गाड़ी लगी है जो कुछ देर बाद देखने को मिलेगी आपको। दोस्तों शिमला बस स्टैंड में यहाँ ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के पास ATM की सुविधा भी उपलब्ध है। बाकी होटल वगैरह जो अगर आपने लेना चाहें उसकी डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे सारी लिखी हुई है। तो ये है कुछ शिमला से चलने वाली अलग अलग रूट्स की डिटेल्स। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस पर सारी की सारी शॉर्ट और लॉन्ग सभी डिटेल्स यहाँ पर मैंने साथ में जोड़ दी है। उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ आके बस स्टैंड में लग गई काउंटर में। वैसे तो इस गाड़ी का जो चलने का टाइम है वो ऑनलाइन 5:15 दिखा रहा है, लेकिन ये गाड़ी थोड़ा लेट चली। Thank you.
इसके बाद ये शिमला से रुपैडिया जाने वाली पहली उत्तराखंड रोडवेज की गाड़ी निकल गई और इस गाड़ी के निकलने के बाद ही दूसरी गाड़ी यहाँ पर आकर लग गई जो कि रुपैडिया के लिए ही जा रही थी। शिमला शहर सात पहाड़ियों में बसा हुआ शहर है। यहाँ पे अलग अलग सात पहाड़ियाँ हैं जैसे कि जाखू हिल्स, प्रोस्पेक्ट हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल्स और समर हिल्स और एलाइजियम हिल। इन सातों पहाड़ियों के समूह को ही शिमला कहा जाता है। शिमला शहर वैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और ये हमारी यहाँ समर कैपिटल है। इसके अलावा विंटर कैपिटल धर्मशाला में है। शिमला से हरिद्वार 585 रुपये किराया लगता है लेकिन स्मार्ट कार से मेरा सिर्फ और सिर्फ 528 रुपये ही लगा। और ये सामने से आ गई हरिद्वार करसोग HRTC करसोग डिपो की गाड़ी। ये काफ़ी डेकोरेटिव हुआ करती थी लेकिन अब इसकी काफ़ी सारी डेकोरेशन उतार दी गई है और ये हमारे चालक संजू ठाकुर जी जो हमारे साथ आज जा रहे हैं नाहन तक और ये परिचालक यहाँ पे प्रदीप जी। शिमला से थोड़ी ही आगे आने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ एक पानी के स्रोत के पास रुक गई। यहाँ पर नेचुरल ठंडा पानी आता है जिसके लिए बसें वगैरह यहाँ पर रुककर पानी भरती हैं। मतलब मैक्सिमम जो ड्राइवर कंडक्टर है वो यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ियों को रोक के अपने लिए सफ़र के लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर जाते हैं। और ये शिमला सोलन चंडीगढ़ रुपैडिया जाने वाली गाड़ी आगे शायद चाय पानी के लिए रुकी हुई है। ये गाड़ी हमसे 10-15 मिनट आगे निकली थी और ये यहाँ पर अभी चाय पी रहे हैं तो हो सकता है ये गाड़ी हमें आगे फिर से मिल जाए। सुबह का समय हो गया है और हल्की हल्की सूरज की रोशनी भी खिल चुकी है और हमारी इस प्यारी सी गाड़ी में ये सूरज की रोशनी भी काफ़ी प्यारी लग रही है। अभी हम आपको बाहर की तरफ दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला का व्यू कैसा दिखता है जब सुबह के समय यहाँ पर सूरज निकलता है तो कुछ इस प्रकार से सामने पहाड़ियों से निकलता हुआ ये दिखता है। और ये सामने से आ गई उत्तराखंड परिवहन निगम की टनकपुर से शिमला जाने वाली गाड़ी। सुबह 5:30 बजे शिमला से चलने के बाद 6:40 पे हम लोग आकर पहुंच गए ISPT सोलन। शिमला के बाद सोलन डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है जब आप चंडीगढ़ की तरफ जाएं या फिर नाहन की तरफ जाएं और सोलन हिमाचल प्रदेश का काफ़ी बड़ा शहर है।
1 सितंबर 1972 में सोलन को बनाया गया, सोलन डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसमें नालागढ़, अर्की जैसे जो तहसील थे वो ऐड कर दिए गए। सोलन का नाम देवी शूलिनी के नाम से पड़ा है, जो कि हिंदू गोडेस है या फिर हिंदू की एक देवी है। कुछ लोक कथाओं की माने तो अपने वनवास के दिनों में जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर भी अपना वास किया था, यानी वो कुछ दिन यहाँ भी बिता कर गए थे। तो ठीक 6:40 पर हम लोग आकर पहुँच गए यहाँ पे सोलन बस स्टैंड में, और यहाँ से चलने का समय आगे 7 का है, तो यहाँ लगभग 10-15 रुकेगी। और ये शिमला रुपेरिया फिर से हमसे आगे हो गई, जो वहाँ पीछे ढाबे में रुकी हुई थी। अभी 7 हैं और अब हमारी ये गाड़ी आगे नाहन सिरमौर की तरफ निकलने के लिए तैयार है। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट शिमला से आ रहे हैं और अभी हम डिस्ट्रिक्ट सोलन में खड़े हैं और अब आगे हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर कर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हम नैना टिक्कर होते हुए निकलेंगे नाहन होकर पोंटा की तरफ, और पोंटा के बाद फिर हम उत्तराखंड के देहरादून में घुस जाएंगे। अब ये UTC की हरिद्वार जाने वाली गाड़ी, रुपेरिया जाने वाली गाड़ी और पंजाब रोडवेज की उन्ना नंगल जाने वाली गाड़ी दोनों यहाँ खड़ी हुई है सवारियों के लिए। अब हमारी गाड़ी को भी हरिद्वार ही जाना है, लेकिन हमें वाया नाहन होके जाना है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं खड़े और सीधा सीधा निकल आए। और ये UTC तो काफ़ी तेज़ गति से आ रही है और कुछ ही देर में ये हमारे पास भी पहुंच जाएगी। और ये उत्तराखंड परिवहन निगम की गाड़ी हमसे आगे हो गई। इस गाड़ी का हमारे साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है, वैसे तो ये भी हरिद्वार ही जा रही है और हम भी हरिद्वार ही जा रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी वाया यहाँ से चंडीगढ़ जाएगी और चंडीगढ़ से फिर अम्बाला सहारनपुर होते हुए जाएगी, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो नाहन सिरमौर होते हुए पोंटा साहिब होते हुए जाएगी। इसलिए इन दोनों गाड़ियों का आपस में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है और ये गाड़ी अब शान से आगे सोलन की पहाड़ियों में चल रही है। और ये सामने से आ गए हमारे विकास भाई, जो कि चंडीगढ़ शिमला रूट में चलते हैं। इनके साथ भी हमने 2 ब्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो हमारे चैनल में हरियाणा रोडवेज प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। अब हम लोग आकर पहुंच गए कुमारहट्टी। कुमारहट्टी से अगर आप सीधा चले जाएँ तो आप आगे चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं, चंडीगढ़ या फिर नालागढ़ की तरफ या उन्ना की तरफ या दिल्ली की तरफ, लेकिन हम लोग यहाँ से लेफ्ट मुड़ गए और अब हम लोग जाएंगे नैना टिक्कर नाहन की तरफ। यहाँ से अगर आप लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको बड़ू साहिब राजगढ़ की तरफ को रास्ता मिलेगा और सामने नोनी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है।
वो सामने आप देख सकते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कुमारहट्टी, जो कि सोलन की कुमारहट्टी में पड़ती है। यहाँ पे हनुमान जी की एक काफी बड़ी मूर्ति भी लगाई हुई है। और ये आप सामने देख सकते हैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग का लाइव एग्जांपल। ये सामने से ट्रक आ रहा है और इस तरफ से बस आ रही है, और बीच में अल्टो वाले ने ऐसे गाड़ी निकाली कि पूछो ही मत। दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं कि भाई कैसा ड्राइवर था ये अल्टो वाला। सोलन से लेकर नाहन तक काफ़ी ऐसी ही घुमावदार सड़कें हैं। यहाँ पर टू लेन रोड है जिसमें बीच बीच में गड्ढे भी हैं और साथ साथ में बड़े बड़े मोड़ भी हैं। ये रास्ता वाया नैना टिक्कर होते हुए जाएगा और हमें आगे प्रेम नगर नैना टिक्कर होते हुए नाहन तक पहुँचाएगा। उसके बाद हम आगे नाहन से पोंटा की तरफ मुड़ेंगे और पोंटा से फिर देहरादून की तरफ निकल जाएंगे। देहरादून से फिर हम लोग हरिद्वार जाएंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेंड्स आ रहे हैं जैसा आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। सोलन से इस रास्ते में जहां हम कुमारहट्टी से नाहन वाले रास्ते में मुड़ चुके हैं, यहां पर आखिरी गांव जेहर पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट सोलन का होगा, और उसके बाद हम लोग कुठार गांव से शुरू होंगे और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर हम जिला सिरमौर की पहली तहसील पछाड़ में एंटर कर चुके हैं। यहाँ के जो मुख्य गांव हैं वो है सरहा और नैना टिक्कर वगैरह। यहाँ पे सरहा जो है वो काफ़ी बड़ा एक शहर है या एक गांव है एक तरीके से हम कहें, और ये सबसे पहला जो गांव शुरू होता है वो होता है प्रेमनगर। और ये सामने से आ गई शिमला पोंटा साहिब या फिर पोंटा साहिब शिमला सुपरफास्ट HRTC नाहन डिपो की गाड़ी। ये गाड़ी का भी हम एक दिन कवर करेंगे, इसका भी व्लॉग बनाएंगे। ये काफ़ी सुपरफास्ट रूट है। तकरीबन सुबह 8 बजे हम लोग आकर पहुंच गए नैना टिक्कर। नैना टिक्कर सिरमौर जिले का काफ़ी बड़ा शहर है, और यहाँ पर हमारी गाड़ी खाना वगैरह खाने के लिए रुकती है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोग वैसे नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं, ज़्यादा कहीं स्टॉप बड़ा लिया नहीं है। तो अभी यहाँ आकर कम से कम आधा घंटा हमारी गाड़ी खाना खाने रुकेगी। नैना टिक्कर जिला सिरमौर का एक काफ़ी खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। इसका नाम माँ नैना देवी के मंदिर के ऊपर पड़ा है, जो इसी शहर में या फिर इसी गांव में बसा हुआ है। ये छोटा सा शहर या गांव जिला सिरमौर की पहाड़ियों में ही बसता है।
यहाँ खाने में मैंने एक आलू का परांठा चने के साथ खाया जो मुझे 40 रुपये का पड़ा, जो काफ़ी रीजनेबल भी था। और ये हमारी गाड़ी है जो यहाँ नैना टिक्कर में अब इंतज़ार कर रही है अपनी सभी सवारियों का। उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से आगे नाहन सिरमौर के लिए रवाना हो जाएगी। और ये सामने से आ गई नाहन शिमला नाहन की लोकल रूट की गाड़ी, और हमारे उस्ताद जी भी तैयार हैं अपना आगे सफ़र शुरू करने के लिए। जैसे ये गाड़ी यहाँ आकर पहुँची वैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई। नैना टिक्कर की थोड़ी सी ही आगे से एक पैदल रास्ता जाता है भुरेश्वर महादेव मंदिर की तरफ के लिए। और आपको बताया जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र तट से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर, यानी 6500 फीट की ऊंचाई पर ये बसा हुआ जो मंदिर है, यहीं पर बैठकर शिव और पार्वती जी ने, जो भगवान शिव और माता पार्वती हैं, उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा था। एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर दो भाई बहनों भूर सिंह व दही देवी की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि वो दोनों बहुत ही कम उम्र में ही सुतेली माँ के दुर्व्यवहार से दुखी होकर गाय बैल भेड़ बकरियाँ चलाने के लिए इस पर्वत में आया जाया करते थे, और इसी शिवलिंग के इर्द गिर्द ही खेलते थे और नींद आ जाती थी और यहाँ सो जाया करते थे। कुछ समय बाद ये शिव के बहुत बड़े भक्त भी बन गए और भाई बहन की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें देव शक्ति प्रदान की और अपना गण बनाया। भाई देवता रूप में, बहन देवी रूप में लोगों को पूजने का वरदान दिया। इसी के बाद यहाँ ये मंदिर बना दिया गया था। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसे भगवान शिव और पार्वती ने यहीं से देखा था। भगवान शिव और माता पार्वती ने द्वापर युग में क्वाकधार पर्वत शिखर पर बैठकर ये युद्ध देखा था, और तभी से यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति भी मानी जाती है। उसके बाद हम लोग आके पहुंच गए सरहां गांव में, और यहां से अगर आप बाज़ार जाना चाहते हैं या फिर मेन मार्केट या शहर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप यहां से लेफ्ट की तरफ को भी जा सकते हैं जो सामने ये रास्ता जा रहा है, और हम सीधा सीधा जाएंगे आगे नाहन की तरफ। और ये मेरे इस हाथ में है सरहां का बस स्टैंड। इस तरफ को ये सरहां के बस स्टैंड दिखता है जो कि काफ़ी छोटा सा बस स्टैंड है और सड़क के किनारे ही है। जिला सिरमौर वैसे तो काफ़ी सारे पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, उसी में से एक है रेणुका झील। जो रेणुका झील है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के जिला सिरमौर में स्थित एक झील है, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी झील है, और इसका नाम जो है वो देवी रेणुका के नाम पर पड़ा है, और उनका एक मंदिर भी इस झील के किनारे है। श्री रेणुका जी क्षेत्र माता रेणुका और उनके पुत्र भगवान परशुराम के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि माता रेणुका जी को दुर्गा के अवतार रूप में और ऋषि जमदग्नि
की पत्नी रूप में अवतरित हुई थी। परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है, जो ऋषि युगल के 5 बेटों में सबसे छोटे थे। चलिए अब हम फटाफट से आपको पहुंचाते हैं नाहन शहर में। छोटे मोटे गांव को साइड करते हुए फटाफट से हम लोग आकर पहुंच गए नाहन शहर। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारे नाहन का शहर, जो दूर दूर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ यहां पहाड़ियों में बसा हुआ है। अभी ये सामने है हमारे दिल्ली गेट, जो कि नाहन की शान है। और इस दिल्ली गेट से अभी हम बस स्टैंड जाएंगे और फिर से घूम के यहीं आएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अब नाहन का बस स्टैंड वगैरह। शिमला से तकरीबन 5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग आकर पहुंच गए नाहन, हिमाचल प्रदेश। नाहन हम सुबह 10:30 बजे पहुंचे और शिमला से हम 5:30 बजे चले थे। नाहन शहर राजा करम प्रकाश द्वारा 1621 में बनाया गया था या फिर बसाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब भारत के मुगल सम्राट शाहजहां ने गढ़वाल जो उत्तराखंड में, वहां में श्रीनगर को जीतने के लिए 2000 घोड़ों की मांग राजा करम प्रकाश जी से की, तो उन्होंने 2000 घोड़ों का जो अनुरोध है उसको स्वीकार करके मुगल सम्राट शाहजहां को अपने 2000 घोड़े दे दिए थे, जिससे वो गढ़वाल को जीत सके या फिर श्रीनगर को जीत सके। नाहन शहर समुद्री तल से 932 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर काफ़ी सुखद वातावरण रहता है, यानी कि नॉर्मल सा मौसम रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है और तालाब भी हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे उस्ताद जी भी अब चेंज हो चुके हैं और ये हैं हमारे पायलट भगवंत ठाकुर जी, जो हमें आगे अब देहरादून हरिद्वार के लिए लेकर जाएंगे। और ये है हमारे परिचालक हितेंद्र जी, जो हमें नाहन से लेकर आगे हरिद्वार तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे नाहन से ही दोनों हमारे कंडक्टर और ड्राइवर लोकल ही हैं, यहाँ के लोकल स्टाफ है। और यह है हमारा दिल्ली गेट, जहाँ पे हमारी गाड़ी फिर से आ गई। और ये हम नाहन से नीचे उतर कर आ गए दोसर का। अगर आपने मेरा यूटीसी सीरीज़ का चंडीगढ़ से देहरादून वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको ये जगह याद होगी। हम लोग यहाँ पीछे चंडीगढ़ अम्बाला वाली तरफ से आए थे और आगे अब हरिद्वार देहरादून की तरफ निकल गए थे, तो हम फिर से उसी रास्ते में अब आगे कंटिन्यू करेंगे देहरादून तक।
और ये है हरियाणा रोडवेज के जहाज जी उस्ताद। ये तो आपको हमेशा भागते हुए मिलेंगे क्योंकि इनके जो रूट है वो भी इनकी टाइमिंग भी कुछ अलग सी होती है। ये यहाँ से देहरादून जाकर वापस पंचकूला चंडीगढ़ के लिए आएंगे, इसीलिए इनको दौड़ कर ही जाना पड़ता है और दौड़ कर ही आना पड़ता है। अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप इनमें ट्रैवल ज़रूर करें। नाहन से ठीक 11 बजे निकलने के बाद पांवटा साहिब हम लोग आकर पहुंच गए लगभग 12 बजे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, अपने घोड़े से एक बार इस जगह से गुजर रहे थे तो वो यहाँ पर आकर रुके, और यहाँ पर वो जब उतरे तो इसी जगह का नाम उनके पांव टिका, यानी उनके पांव यहाँ पर टिके, वो यहाँ आकर रुक गए, इसलिए इस जगह का नाम पांव टिका पड़ा। और यहाँ पर ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ग्रंथों की भी रचना की, और गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह पर एक गुरुद्वारा भी स्थापित किया था। यहीं पर उन्होंने 4.5 साल बितारे, अब कुछ 4.5 साल बिताए थे उन्होंने यहीं रहकर, और उसके बाद इस जगह का धीरे धीरे वक्त के साथ नाम बदल गया और पांव टिका से पांवटा साहिब या पांवटा साहिब भी बन गया। तो जब तक ये गाड़ी बस स्टैंड में लगी है, आइए आपको पांवटा साहिब का एक छोटा सा बाजार घुमाकर लेकर आते हैं। पांवटा साहिब या पांवटा साहिब अगर यूं कहा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का आखिरी शहर है। ये उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है और यहाँ से यूपी बॉर्डर और उत्तराखंड बॉर्डर बिल्कुल दूर नहीं है, तो यहाँ का जो कल्चर है वो भी कुछ मिक्स जैसा है। यहाँ की जो भाषा बोली है वो भी थोड़ी मिक्स जैसी है। तो हम बाजार घूम कर वापस आ गए अपने बस स्टैंड में, और अब हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है और ये हमारे उस्ताद जी आ गए अपनी सीट पर। पांवटा साहिब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, या यूँ कहा जाए ये यमुना नदी ही है जिसने उत्तराखंड और हिमाचल को अलग करके रखा हुआ है। अगर इसके उस तरफ देखा जाए तो वो सामने उत्तराखंड के पहाड़ हैं जो कि तहसील देहरादून में पड़ते हैं, और इस तरफ हिमाचल का पांवटा साहिब। अगर आपको इसके बाएं तरफ दिखाया जाए तो कुछ भी नहीं है, और दाएं तरफ दिखाया जाए तो ये सामने गुरुद्वारा साहिब है जो कि पांवटा साहिब का गुरुद्वारा है। अभी इस पुल से हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर जाएंगे। इसके आगे का आप हमारा जो सफ़र होगा वो सारा का सारा उत्तराखंड में ही होने वाला है। अभी उत्तराखंड में हम लोग यहाँ देहरादून में आएंगे। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का स्वागत का बोर्ड, यहाँ पर शुरू होता है उत्तराखंड। और ये साथ साथ जो पानी की कैनाल बह रही है, यह है कुलहाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई हुई कैनाल जो कि यमुना नदी से ही पानी निकाला गया है। ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है ये पावर प्रोजेक्ट, और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में भी है।
पौंटा साहिब के बाद देहरादून तक लगभग सीधा सीधा ही रास्ता है। यहाँ पे हरबतपुर होते हुए हमारी गाड़ी जाती है और यहाँ पे टू लेन रास्ता है। इसको वैसे मैंने ब्रीफली कवर मैंने उत्तराखंड सीरीज में अपने चंडीगढ़ देहरादून वाले ब्लॉग में किया हुआ है। अगर आप लोग ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो एक बार उसे भी जाकर जरूर देखें। आप देहरादून आओ और आपको जाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। देहरादून उत्तराखंड का ऐसा शहर है, या ऐसा मैं बताऊं, ऐसा अनमैनेज सा शहर है जहाँ पे किसी भी एंट्री से आप एंटर होंगे या किसी भी एग्जिट से एग्जिट लोगे आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। तकरीबन एक डेढ़ घंटा जाम में अपना वेस्ट करने के बाद हमारा जाम खुल गया और हम फाइनली आगे देहरादून शहर की तरफ बढ़ चुके थे। ठीक 2:50 पर हम लोग आकर पहुंच गए देहरादून बस स्टैंड। यहाँ हमारी गाड़ी बस स्टैंड के अंदर नहीं गई क्योंकि हमें आगे हरिद्वार तक जाना है और यहाँ से वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोकल बसेस हरिद्वार के लिए जाती रहती हैं, तो अंदर समय वेस्ट ना करते हुए हम बाहरों बाहर सीधा निकल गए हरिद्वार के। अगर इस एरिया की बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश, यहाँ पे उत्तराखंड के कल्चर की एक रत्ती भी झलक नहीं है। ये एक यूपी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और यहाँ की भाषा और बोली और व्यवहार पूरा ऐसा लगता है जैसे यूपी में ही आप खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये उत्तराखंड का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। पास हमारे साथ साथ चल रही यूटीसी बस के ड्राइवर का फ़ोन हमारे चालक साहब को आ गया, जो हमसे ये पूछ रहे थे कि आप लोग आज इतना लेट कैसे हो गए, हमारी गाड़ी से तो काफ़ी आगे निकल जाया करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप हमसे भी लेट आए। तो यहाँ चालक जी ने बताया कि जो जाम वगैरह लगा था उसकी स्थिति में हम भी फंस गए थे। तो फिर यूटीसी के ड्राइवर ने कहा कि हमारे कुछ टायर में दिक्कत सी आ रही है, तो आप कुछ देर आगे चलिए जहाँ तक हम चला पाएंगे, उसके बाद हमारी सवारी आगे ले जाना। तो हमारी गाड़ी में आपस में ऐसे सांझा कुछ मेल मिलाप हुआ और ये हमारी गाड़ी फिर हमसे आगे निकल गई।
और ये वही यूटीसी की गाड़ी अब यहाँ खड़ गई और इन्होंने अपनी सारी की सारी सवारियाँ हमारी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दी। तकरीबन शाम के 4:15 बजे हम लोग आकर पहुंच गए उत्तराखंड के हरिद्वार। वैसे हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आपको फिर भी बता दें, हरिद्वार में शांति कुंज, हर की पौड़ी, मनसा देवी टेंपल, जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आनंदमय आश्रम, परत शिवलिंग, वैष्णो देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल जैसे काफ़ी सारा मंदिर है। इसका उल्लेख आपको, हरिद्वार का उल्लेख आपको हिंदू सदग्रंथों में भी मिल जाएगा। दशहरा से लेकर दिवाली के बीच में गंगा कैनाल को बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे हरिद्वार वगैरह की घाट की सफाई की जा सके। अगर हरिद्वार शब्द का मतलब बताया जाए तो हरि का मतलब भगवान विष्णु और द्वार मतलब गेटवे या रास्ता। तो ये गेटवे टू विष्णु यानी कि विष्णु जी का द्वार या हरि का द्वार के नाम से भी हरिद्वार प्रसिद्ध है। इसे ऐसा नाम शायद इस करके भी मिला हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो अपनी बद्रीनाथ टेंपल, विष्णु टेंपल बद्रीनाथ की यात्रा यहीं से शुरू करते हैं, इसीलिए इसे गेटवे टू विष्णु भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी गाड़ी जिसके साथ हम लोगों ने अपना ब्लॉग कवर किया आज हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर हरिद्वार तक। यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 11 घंटे लग गए। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा आज का हमारा सफर, मेरी शक्ल तो आप देख ही सकते हैं कैसे हाल हो चुके हैं। तो लगातार 12 घंटे हमने कंटिन्यू यहाँ सफ़र किया अभी तक। सुबह 5 बजे आसपास चले थे और शाम को 4:20 में हम लोग आकर पहुँच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार बस स्टैंड थोड़ा पीछे आपको बसेस उतारती हैं, मैं आपको बस स्टैंड लेकर चलता हूँ, तो बस स्टैंड फटाफट से दिखाता हूँ, फिर यहीं हम अपना आज का ब्लॉग एंड कर देंगे। सरहदी शहर होने के कारण यहाँ पर हरिद्वार में उत्तराखंड की बसों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की बसें देखने को मिलती है जो कि सहारनपुर वगैरह से आ रही है। यहाँ पे हरियाणा रोडवेज़ की भी काफ़ी अच्छी सर्विस है, जैसे मैंने देखा हरियाणा के अलग अलग शहर जिंद, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली वगैरह से भी यहाँ उत्तराखंड के लिए सीधी बस सेवा है। तो कैसे लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे अब मुलाकात होगी अगले किसी नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग की काफ़ी डिमांड थी कि इसको, इस बस को कवर किया जाए, ये डेकोरेटिव जो क्वीन है हमारी नाहन सिरमौरी क्वीन, इसको कवर किया जाए और इसके साथ साथ ये रूट भी कवर किया जाए क्योंकि इस रूट को अभी तक किसी ने खासा कवर नहीं किया है। वही आप सभी को मैं ये भी दिखाना चाहता था कि हमारी जो गाड़ी है वो कितनी प्यारी ढंग से चलती है और HRTC कैसी सर्विस देती है। बाकी इस वीडियो को लंबा बनाने की आप लोगों की डिमांड थी, तो वैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो भी इस बार लंबी ही आई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।